एक सीट आना जीरो ही होती है। कमी किसकी रही, सतीश चंद मिश्रा जी की, आनंद भाई साहब की, आकाश आनंद जी की, या फिर पदाधिकारियों की, या फिर कार्यकर्ताओं की, या वोटरों की, या फिर मैं एक लास्ट में नाम लूंगा बहन कुमारी मायावती जी की। कमी आखिर किसकी रही जो हम सत्ता बना रहे थे और आज सत्ता से बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वार्ड आपकी विधानसभा जो है किराड़ी विधानसभा में चार वार्ड आते हैं, कितनी, पांच, कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? देखिए कोशिश पूरी पांचों की रहेगी मैडम, कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो रही है आप लोगों की। अगर हम कोशिश ही ना करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे, बिना कोशिश करे तो। सीट कितनी ला रहे हैं पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली मिलकर के कितनी सीटें ले आई? देखिए मैं आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, आंकड़ा मैं दे रहा हूँ मैडम, पांच सीटें ले आओगे आप पूरी दिल्ली में? पहली बात तो मैं किराड़ी विधानसभा से जॉन कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं किराड़ी विधानसभा की ठेकेदारी ले सकती हूँ कि मैं अपनी पांचों सीटें लाने की कोशिश पूरी करूंगी। और अगर पांच पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पांच सीट आ जाएंगी पूरी दिल्ली में। देखिए ये लड़ाओ लड़ाओ जिसको लड़ाना है, सीपी सिंह जी को लड़ाओ, सीपी सिंह जी को लड़ाओ, आप लड़ो, रजनी बौद्ध जी को लड़ाओ, आनंद भाई साहब को लड़ाओ, आकाश भाई साहब को लड़ाओ, किसी को भी लड़ाओ, पांच सीटें आप ले आओगी दिल्ली में, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। पांच सीट आपकी है, एक ही ले आओगे? वो कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, अरे बहन जी ने तो 40 साल गलियां खूंदी हैं, वो फैसिलिटी दे दी बहन जी ने जो उस टाइम बहन जी को नहीं मिली थी। साइकिलों पर बैठ बैठ कर जाती थी, पैदल गांवों में घूमती थी, लेकिन आपको तो गाड़ियां दे दी एसी वाली। आपको अगर बुलाओ कहीं मीटिंग के अंदर तो आप 2 घंटा लेट पहले ही आते हो, इतने में पब्लिक ही चली जाती है। 24 घंटे आप तैयार रहिए समाज के बीच में जाने के लिए, आप 2-4 महीने पहले जाकर मंचों पर फोटो खिंचवा कर वीडियो बनवा कर डलवा देते हैं, उससे क्या वोट आने वाला है? हमारे समाज का बहुत दबा कुचला वोट है और उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूनम अम्बेडकर जी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा, पूरे दमखम से आप लगे हुए पर आपकी मेहनत पे भी पानी फिर दिया जाता है, कब तक पानी फिरवाते रहेंगे आप? ये तो बहन जी को करना पड़ेगा, जो इन लोगों को चर्बी चढ़वा दी है ना बहन जी ने। मैं सच बोलती हूँ और किसी को कड़वी लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर भी नहीं लगता कि कोई मेरा पद ले लेगा। मैं सच बोलूँगी क्योंकि उससे मेरा जो महापुरुषों की धरोहर है उसको बहुत खतरा हो रहा है चुप रहने से। तो जो ये यूपी के जो पदाधिकारी हैं, कहीं के भी देख लीजिए पूरे भारत में, इनको चर्बी चढ़ गई है। बहन जी ने कुछ ज़्यादा फैसिलिटी इन लोगों को दे दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए वो सत्ता में है, मैं उसकी तारीफ करूँगी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हमारे देश का वो गलियों में नज़र आता है, जो सीएम है वो गलियों में नज़र आता है, सांसद है वो गलियों में नज़र आते हैं, विधायक वो गलियों में नज़र आते हैं, जबकि उनको पता है जीतेंगे तो हम ही ईवीएम से गड़बड़ी करें, चाहे किसी तरीके से किसी भी तरह की गड़बड़ी करें आने वाले हैं, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पार्टी के पदाधिकारी नहीं करते। वो कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, अरे बहन जी ने तो 40 साल गलियां खूंदी हैं, अब खूंदने की बारी आपकी है। आपको वो फैसिलिटी दे दी बहन जी ने जो उस टाइम बहन जी को नहीं मिली थी, साइकिलों पर बैठ बैठ कर जाती थी, पैदल गांवों में घूमती थी, लेकिन आपको तो गाड़ियां दे दी एसी वाली, आपको तो दुगनी ताकत से काम करना चाहिए, लेकिन आप तो नजर ही नहीं आते। आपको अगर बुलाओ कहीं मीटिंग के अंदर तो आप 2 घंटा लेट पहले ही आते हो, इतने में पब्लिक ही चली जाती है। आपके इन पदाधिकारियों के ऊपर से चर्बी उतारनी पड़ेगी बहन जी को, तब जाकर ये सीधे होंगे, इनको लेकर जमीनी स्तर से काम करवाना होगा बहन जी को, तब जाके हम थोड़ा ऊपर उठेंगे, क्योंकि ऊपर से हम जीरो पे ला दिए इन लोगों ने, इन पर विश्वास किया। यहाँ कार्यकर्ताओं को बदलना पड़ेगा, वोटरों को बदलना पड़ेगा या पदाधिकारियों को बदलना पड़ेगा? देखिए वोटरों को लाना, उनको समझाना तो इन पदाधिकारियों का काम है, इनको किसी ने रखा है? क्यों नहीं जाते ये इनके बीच में और दूसरे लोग आकर गुमराह कर जाते हैं? ये क्यों नहीं जाते उस वोटर को स्टैंड करने के लिए? ये नहीं जाएंगे तो कोई तो गुमराह करेगा, और यही हुआ आपकी बार यही हुआ, गुमराह किया गया, वोटर तैयार था वोट देने के लिए, लेकिन उनको गुमराह कर दिया एंड टाइम पे, और गुमराह का नतीजा हम जीरो पर आ गए। जीरो पे कौन लेके आया? मैं 2-4 नाम लेना चाहूँगा जो मुझे लोग कह रहे हैं,
अपनी तरफ से नहीं, मैं लोगों के तरफ से आपसे ये बात करना चाहूँगा। सतीश मिश्रा जी की पूरी फैमिली लगी हुई थी और सतीश मिश्रा जी खुद लगे हुए थे, पर ब्राह्मण वोट ला नहीं पाए, जीरो। मुस्लिम वोटरों को लाने के लिए बहुत सारे मुस्लिम पदाधिकारियों को लगाया गया, वो भी जीरो। एससीओ को वोट लाने के लिए एससीओ के पदाधिकारियों को बहुत सारों को लिया, हर कास्ट के लोगों को लाने के लिए बहन जी ने सबको लगाया, पर काम किसी का नहीं आया, जीरो आया। एक सीट आना जीरो ही होती है। कमी किसकी रही, सतीश चंद मिश्रा जी की, आनंद भाई साहब की, आकाश आनंद जी की, या फिर पदाधिकारियों की, या फिर कार्यकर्ताओं की, या वोटरों की, या फिर मैं एक लास्ट में नाम लूँगा बहन कुमारी मायावती जी की। कमी आखिर किसकी रही जो हम सत्ता बना रहे थे और आज सत्ता से बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। देखिए, चुनावों से दो चार महीने पहले आप जाकर लोगों के बीच में जाकर बात करें तो उससे क्या वोट आने वाला है? 24 घंटे आप तैयार रहिए समाज के बीच में जाने के लिए। आप दो चार महीने पहले जाकर मंचों पर फोटो खिंचवा कर वीडियो बनवा कर डलवा देते हैं, उससे क्या वोट आने वाला है? हमारे समाज का बहुत दबा कुचला वोट है और उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सामने नहीं आ पाता, उसको एक हिम्मत की जरूरत होती है निकलने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में वो रहता है वहाँ पर सवड़ों का राज होता है, वो उनको वोट डालने नहीं देते, तो आपको उनकी ताकत पीछे से बनकर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर वो आगे आएगा वोट डालने के लिए, तब वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन आप लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, आप लोग तो गाड़ियों में बैठे रहते हैं, उनकी हिम्मत कहाँ से आएगी? वो डर कर वहीं वोट डाल देता है जहाँ उनसे डलवाया जाता है। तो काम आपको जमीनी स्तर से करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। कमी किसकी थी जो मैंने अभी नाम गिनाए, कमी किसकी थी? कमी इन सब क्या रोड शो नहीं होने चाहिए थे? क्या रैलियां नहीं होनी चाहिए थी? जनसंपर्क जो नहीं हुआ वो क्या नहीं होना चाहिए था? इन सब नामों को जोड़ करके कमी इन सब की थी। कमी बहन जी ने इनको सारी फैसिलिटी दी काम करने के लिए, लेकिन कमी इन्हीं लोगों की थी, क्योंकि एंड टाइम पर ये लोग निकले। उससे पहले क्यों नहीं निकले? उससे पहले ये नजर क्यों नहीं आए? उससे पहले ये एसीओ में क्यों नजर आ रहे थे? अब आप दो महीने पहले नजर आ रहे हो सारे में, तो आपको निकलना चाहिए। बहन जी तो आपको 24 घंटे की फैसिलिटी देती है ना। पर बहन जी और सतीश मिश्रा जी के अलावा कोई नजर नहीं आया, ना उनके भाई साहब नजर आए, ना उनके भतीजे नजर आए, ना कोई पदाधिकारी नजर आया, ना कोई कार्यकर्ता नजर आया। आखिर ये कब तक चलेगा? अब चलने के लिए बचा ही क्या है? बाकी रहा क्या है? अब चलने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब हमें खुद जमीनी स्तर से उठकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो नाश हो रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है, और गुलामी से बचाने के लिए अपने बच्चों को हमें खुद अपने घरों से निकलना पड़ेगा। स्वार्थी मत बनो, ये मत सोचो कि कौन पदाधिकारी हमारे घर आएगा तब हम जाके निकलेंगे, कौन हमें चाट पकौड़ी खिलाएगा तब हम निकलेंगे, कौन हमें कपड़े देने आएगा तब हम निकलेंगे। नहीं, अगर अपने बच्चों का भविष्य आपको बनाना है ना, आज जो हमारा भविष्य है वो तो है ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्गति होने वाली है हमारे आने वाली जनरेशन की। आपका भी फर्ज बनता है उस जनरेशन को सेव करने का, क्योंकि आज बाबा साहब काशीराम और ज्योतिबा फूले आज हमारे लिए काम करके गए तो हम इतना यहाँ तक उठ पाए, लेकिन आज अगर आपने काम नहीं किया तो आज उससे भी बुरी दुर्गति होने वाली है। पुरुषों ने तो काम नहीं किया, क्या महिलाओं की बारी? और महिलाओं की बारी है तो आप जैसी कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे भारत में वोट अपना तैयार कर सकते? वैसे तो महिलाएं बहुत हैं, लेकिन निकलने के लिए वो एक्सक्यूज दे देती हैं, उनके एक्सक्यूज की वजह से वो अपने घर से नहीं निकल पाती। जो एक्सक्यूज नहीं दे रही हैं और जो निरंतर काम कर रही हैं, ऐसी कितनी महिलाएं आपके दिमाग में आज है, चाहे एक हो चाहे दो हो, और उनको पार्टी में आना चाहिए और पार्टी को उनको लाना भी चाहिए? कुछ एक दो नाम है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, इंदु चौधरी जी जो इतने सालों से काम कर रही हैं, तो इंदु चौधरी जी को लेना चाहिए, और हमारे उपाध्यक्ष जी हैं जिनको निष्कासित किया गया है उनको लेना चाहिए, जयप्रकाश जी, और भी चेहरे हैं जो आने चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। नए नए को आप ले रहे हो, अच्छी बात है, जो नए चेहरे आ रहे हैं जिन्होंने अभी बसपा के लिए कुछ नहीं किया उनको आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी तो लेना चाहिए जो कई कितने सालों से बसपा के लिए काम कर रहे हैं विदाउट पद के, उनको भी आना चाहिए, उससे बसपा को प्लस पॉइंट हो जाएगा। जो आज हम जीरो पे आ चुके हैं तो उससे हमारा लेवल बढ़ने के बिल्कुल चांसेस बहुत रहेंगे, बहुत चांसेस रहेंगे अगर महिलाओं को भी अगर सम्मान दिया जाए। और जब हम 50% की भागीदारी करते हैं तो अगर महिलाओं का ग्राफ निकाला जाए तो बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पे मुझे नहीं लगता कि कोई है। और अगर और भी लोगों को, अगर और महिलाओं को ला करके जो काम करने वाली हैं, जैसे भी पूनम जी ने कहा कि इंदु चौधरी जी हैं,
दमखम तरीके से काम करती है आजमगढ़ की तरफ को और बनारस की तरफ, बहुत दमखम है और पूरे भारत में ही काम करती हैं। 6 महीनों में सीट कितनी आएंगी मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि पदाधिकारी आप भी हैं बीएसपी की दिल्ली प्रदेश में, आप भी पदाधिकारी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले एक सीट आई, फिर 35 आई, पहले एक आई, 17, 35, 15, 0, 17, एक सीट है, अब एक है सीट, तीन सीट है, तो तीन सीट है, अब कितनी आएंगी, 0। देखिए यूपी से देखकर हमें सबक मिल गया है, अगर अभी हमने सबक नहीं सीखा तो फिर लानत है हम लोगों पर, क्योंकि हमें, हम पर विश्वास करके जो पद दिए गए उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। ठीक है, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए पद लिए हुए और उससे पहले मैं काम भी करती हूँ, सभी जानते हैं, और मैं जितनी निष्ठा से हो सकेगा मैं अपने जो मेरा आपका वार्ड, आपकी विधानसभा जो है किराड़ी विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? देखिए कोशिश पूरी पांचों की रहेगी मैडम, कोशिश आज तक कामयाब नहीं हो रही है आप लोगों की, अगर हम कोशिश ही ना करेंगे तो कामयाब कैसे होंगे, बिना कोशिश करे तो सीट कितनी ला रहे हैं पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली मिलकर के कितनी सीटें ले आएंगे? देखिए मैं आंकड़ा दे रहा हूँ मैडम, 5 सीटें ले आओगे आप पूरी दिल्ली में? पहली बात तो मैं किराड़ी विधानसभा से जॉन कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं किराड़ी विधानसभा की ठेकेदारी ले सकती हूँ कि मैं अपनी 5 सीटें लाने की कोशिश पूरी करूंगी, और अगर 5 पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 5 सीट आ जाएंगी पूरी दिल्ली में। देखिए लड़ाओ जिसको लड़ाना है, सीपी सिंह जी को लड़ाओ, आप लड़ो, दर्जी बौद्ध जी को लड़ाओ, आनंद भाई साहब को लड़ाओ, आकाश भाई साहब को लड़ाओ, किसी को भी लड़ाओ, 5 सीटें आप ले आओगी दिल्ली में, चैलेंज कर रहा हूँ मैं अपनी किराड़ी के बारे में बोल सकती हूँ, मैं पूरी 5 सीट आपकी है, एक ही ले आओगे, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि मैं अपनी 5 सीटें लाने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे मुझे दिन रात सड़कों पर ही रहना पड़े, गलियों में ही रहना पड़े, और मैं रहती हूँ, ये आप सब जानते हैं। पूनम जी आप बताओ मेहनत करेगा कौन? आप 2 लोग या 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग मेहनत करेंगे क्या? यूपी में हुआ वो दिल्ली में नहीं होना चाहिए, जितने भी दिल्ली के पदाधिकारी हैं इनको जमीनी स्तर पर आ जाना चाहिए, ये सबक लेना चाहिए यूपी से, कितना भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, कितना छोटे से छोटा पदाधिकारी हो, जिम्मेदारी सबकी बनती है, और अब ये चाट पकौड़ी, ये एसी में बैठना छोड़ दो, क्योंकि आप 0 पे आ चुके हो, 0 पे से उठना है अब हमें, और अगर आप 0 पे से नहीं उठोगे तो आने वाली जनरेशन भी हमारी गुलाम हो जाएगी। और अच्छा, आपका अच्छा कई सारे आंदोलनों में आप दोनों ने और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं लोगों की पिटाइयां करी हैं आपने, जो समाज हित में काम नहीं करता था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने डाली भी है। क्या जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चों को या 30 बच्चों को पढ़ाता है, और कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, और कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, ध्यान दीजिएगा मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, कि कुछ कोशिश नहीं करते समझने की, उनके साथ मास्टर क्या करता है पता है? एक स्टिक निकालता है और 2 हाथ पे मारता है, एक यहाँ, नहीं मानता तो 4-4, 5-5 भी मारता है। तो क्या वो स्टिक अब बहन जी को नहीं निकाल लेनी चाहिए? मैं थोड़ी कड़वी बात कहूँगी। अच्छा, कई सारे आंदोलनों में आप दोनों ने और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं लोगों की पिटाइयां करी हैं आपने, जो समाज हित में काम नहीं करता था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने डाली भी है। क्या जब मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, 40 बच्चों को या 30 बच्चों को पढ़ाता है, और कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, और कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, ध्यान दीजिएगा मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, कि कुछ कोशिश नहीं करते समझने की, उनके साथ मास्टर क्या करता है पता है? एक स्टिक निकालता है और 2 हाथ पे मारता है, एक यहाँ, नहीं मानता तो 4-4, 5-5 भी मारता है। तो क्या वो स्टिक अब बहन जी को नहीं निकाल लेनी चाहिए? मैं थोड़ी कड़वी बात कहूंगी। यहाँ पर चीनी लेके कोई नहीं बैठा है। अगर ऐसा काम किसी पदाधिकारी के साथ होता है तो उसे वहाँ से उठाकर बड़े पद पर पहुँचा दिया जाता है। अच्छा। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, ये डिमोशन नहीं होता, प्रमोशन होता है। ये देखना पड़ेगा कि अगर जनता ने इसका बहिष्कार किया है, अगर इसकी पिटाई की है तो क्यों की है, कारण क्या है, ये देखना पड़ेगा, नहीं तो हमें हार का सामना हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा। और अभी तो हमारे हौसले थोड़े बुलंद हैं, आगे आने वाले समय में वो भी बुलंद हौसले हमारे बिल्कुल डाउन हो जाएंगे अगर सही कदम नहीं उठाया गया, अगर सही
तरीके से बहन जी ने इन पदाधिकारियों को नहीं लगाया गया लाइन में और इनको नहीं जमीनी स्तर पर उतारा गया। अगर इनसे एसिया गाड़ियां वापस नहीं ली गई, इनसे बंगले वापस नहीं लिए गए, इनसे सैलरियां वापस नहीं ली गई, ये बीजेपी में चले जाएंगे, ये बीजेपी में चले जाएंगे, जाने दीजिए, हम एसपी में चले जाएंगे, वहां मिल जाएगा, जाने दीजिए, इनके रहते हुए भी तो हम जीरो पर ही हैं। बहन जी ने इनका कद इतना बड़ा कर दिया है कि आप यहाँ बीएसपी छोड़िए, एसपी में घुस जाओगे, बीजेपी में घुस जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मिशनरी है, जो सही बाबा साहब या हमारे अन्य महापुरुषों का सम्मान करता है वो कभी नहीं जाएगा, जो दोगला है वो तो कहीं भी जा सकता है। मैडम, प्योरिटी कैसे निकालोगे, कैसे जज करोगे कि ये मिशनरी है और ये नहीं है? क्योंकि जितने भी पार्टी से बाहर निकाले, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई एसपी में चला गया और कोई ऐसी सीट पे चला गया जहां पर अभी किसी का वजूद नहीं है, आजाद समाज पार्टी में भी चले गए, ये सब बीएसपी के लोग हैं। अभी वक्त है ना परखने का, अभी हम जीरो पे ना, कितना परखोगे? काशीराम साहब ने परख करके आपको दे दिया था, चल जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि जिस मुकाम पे आज बीएसपी खड़ी है उस मुकाम पर जो साथ रहेगा वो प्योर, जिसको प्योर कहते हैं मक्खन है, और जो चला गया वो सड़ा हुआ गोबर है। मैडम, पर वो गोबर तो लीप करके अपने घर को एंटीबायोटिक घर बना रहा है वो तो। दोबारा बोलिए, जो आप गोबर कह रहे हो वो गोबर अपने आप को लीपा पोती कर करके उस घर पे लेपा पोती कर रहा है और वो एंटीबायोटिक घर बना रहा है वो। देखिए ऐसे वायरस देके जा रहा है, जिसका सम्मान ही नहीं है, जिसका सम्मान ही नहीं है उसको तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपना जमीन बेच सकता है। जिसने अपना जमीन बेच दिया, जिसने अपना वोट बेच दिया, वो तो हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि वो अपनी बेटी बेचने जैसा काम करता है, तो उन लोगों को तो बात ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जबान भी गंदी होती है ऐसे लोगों का नाम लेने पर। मैं तो कहती हूँ, सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अब हमें ग्राउंड से उठने की ज़रूरत है। अगर आप आज इस वक्त नहीं उठे तो आने वाला जो भविष्य है हमारे जो युवाओं का, जो आने वाली जनरेशन है, वो गुलामी की तरफ चली जाएगी। ये लालच छोड़ दो, जो लालच आपके अंदर बस गया है, इस लालच से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आने वाली जनरेशन आपको इतनी गालियां देंगी जो हमारे महापुरुषों का किया काम है वो भी खत्म हो रहा है। बिल्कुल, जितने भी महापुरुष हैं वो सभी अपने दमखम लगा करके हम लोगों को यहाँ खड़ा किया, और लास्ट के महापुरुष अगर कहा जाए तो काशीराम साहब थे, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के, अपना पूरा जीवन लगाकर, संपूर्ण जीवन लगा करके हम लोगों को यहाँ पर लाके खड़ा किया था, जो कि बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनाई। पर उसके बाद हम नीचे नीचे आते जा रहे हैं, यानी कि काशीराम साहब का जो मिशन था, जो अधूरा था, उसको अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उस लाइन तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की अभी और कोशिश करते हैं।